हे सिरी, हाउ टू गेट इनटू बेस्ट एंड लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप विदाउट एनी एफर्ट्स, ओनली चीटिंग, मल्टीपल ब्रेक्स आल्सो, ब्रेकअप्स आल्सो इंक्लूडेड। इन टुडे जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना जैसे कॉम्पिटिशन सा हो गया है। एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड समबडी। सबको एक पार्टनर चाहिए, सबको एक रिलेशनशिप चाहिए। एंड अगर किसी बंदे या बंदी के पास पार्टनर नहीं है तो उसको लिटरली ऐसा लगता है कि अपने फ्रेंड्स की कंपेरिजन में वो कहीं ना कहीं पे बैकवर्ड या तो वर्थलेस है। एंड सो हरी वरी में जस्ट दुनिया को दिखाने के लिए किसी भी बंदे या बंदी को पार्टनर बना लिया जाता है। दुनिया के सामने उनकी रिलेशनशिप ही बेस्ट है, ऐसे टाइप के शो ऑफ भी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एंड भी एक्सपेक्टेड ही होता है। जब तक हम रिलेशनशिप में नहीं होते तब तक हमको सामने वाले पार्टनर की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है एंड हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जैसे रिलेशनशिप में 2-4 महीने जाते हैं हम धीरे धीरे बोर होने लगते हैं एंड उसी इंसान जिसके साथ हमने लाइफ टाइम बिताने के सपने सोचे थे उसके साथ एक दिन भी बिताना मुश्किल हो जाता है। बट इन अवर केस इट वॉज नॉट द सेम। अवर रिलेशनशिप वॉज स्टार्टेड इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ MBBS एंड टूडे वी आर इन टू 8+ years ऑफ रिलेशनशिप नाउ एंड आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट 7 years वी वर इन द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। रिसेंटली वी गॉट मैरिड टू। वी बोथ आर डॉक्टर्स एंड इवन अचीव्ड सो मेनी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक मार्क्स इन अवर कैरियर। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपने अंजलि मैम में ऐसा क्या देख लिया कि आपने उनको लाइफ टाइम के लिए अपना पार्टनर बनाने का सोच लिया। सो दीज आर 5 out of so many क्वालिटीज दैट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स हर फॉर लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप ऑन दिस अर्थ ऑफ 7+ billion पीपल। आई नो सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई एम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प यू टू फॉर सिलेक्टिंग योर पार्टनर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कोई भी कमेंट करने से पहले वीडियो को पहले पूरा देखना क्योंकि वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपका नजरिया बदल देगा। नंबर 1, सिंप्लिसिटी एंड एटीट्यूड लेस बिहेवियर। फर्स्ट डेट किसी भी गर्ल या बॉय के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड उसके लिए सबको लगता है कि बढ़िया सज धज के जाना चाहिए क्योंकि सामने वाले बंदे को इंप्रेस भी करना होता है। लेकिन मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे, शी जस्ट केम विद अ सिंपल इंडियन कुर्ता एंड दुपट्टा। शी डिडंट हैव एनी मेकअप ऑन हर फेस, नो लिपस्टिक, नो हाई फाई क्लोथ्स और एक्सेसरीज। एंड वो सिंप्लिसिटी ही थी जिसपे मारू मन मोही गयो, मारू मन मोही गयो, यानी कि मेरा मन मोहित हो गया। एंड नॉट जस्ट फॉर द डेट, वो हार्डली कभी मेकअप या एक्सेसरीज का यूज करते होंगे अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। शी यूज्ड टू से कि इंसान की जो रियल ब्यूटी होती है वो इनर ब्यूटी होती है। एक्सटर्नली मैं एक दिन के लिए कितना भी ज्यादा मेकअप लगा दूं, लेकिन सपोज हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ती है एंड शादी के बाद जब हमको साथ में रहना पड़ेगा एक ही घर में, तब यही नेचुरल फेस है, यही बॉडी है जो आपको एक्सेप्ट करनी है। सो जस्ट आपको इंप्रेस करने के लिए मुझे अपनी सिंप्लिसिटी नहीं छोड़नी थी। अगर आप मुझे पसंद करते होंगे तो यही मेरी नेचुरल ब्यूटी को पसंद करोगे, ना कि आर्टिफिशियल ब्यूटी जो 2 घंटे के साथ चली जाने वाली है एंड जिसके साथ हो सकता है आपका अट्रैक्शन भी चला जाए। अब यहाँ पे हम दोनों का मैसेज ये नहीं है कि मेकअप करना या आर्टिफिशियल एक्सेसरीज यूज करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए। अंजलि भी कभी कभार बाहर जाते टाइम पे या तो कोई फंक्शंस में मेकअप लगाती ही है। बट वी मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट द ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी। अगर वो बंदा आपकी नेचुरल ब्यूटी को लव करता है तभी एंड तभी वो आपको लाइफ टाइम प्यार करेगा एंड इज एबल टू बी योर लाइफ पार्टनर। नंबर 2, स्पिरिचुअलिटी। आजकल इंस्टाग्राम पे फेक स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग बहुत ही ज्यादा व्यूज बटोरते हैं, लेकिन ये लड़की ने आज से 10 से 15 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तब अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज करके रखा था। भगवत गीता जो हिंदुओं का धार्मिक पुस्तक है, आजकल के बच्चे उसका पेज भी नहीं पढ़ पाते हैं, वहां पे ये लड़की ने वो पूरी की पूरी बुक अच्छे से पढ़ के समझ के अपने अंदर उतार के रखी थी। हर वेंसडे को स्वाध्याय के यूथ सेशंस में जाने से लेकर भगवान कृष्णा को अपना साथी मानने वाली ऐसी लड़की मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी एंड आई न्यू एट दैट वेरी मोमेंट कि उनका हार्ट कितना ज्यादा प्योर है। अगर ये लड़की किसी भी इंसान को अपना दिल देती है तो कभी भी उस इंसान का बुरा नहीं सोच सकती है, ना ही कभी उसे धोखा या चीट करने का सोच सकती है। हालांकि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था वो सन्यासी हार्ट पे लव की चादर फैलाना, बट कुछ महीनों की फ्रेंडशिप के बाद थोड़ी बहुत जगह बनाने में मैं कामयाब हो गया था। एंड यस, अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते हो तो इट्स टाइम नाउ टू रिफॉर्म योर सेल्फ। वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करो बट जस्ट डोंट फॉरगेट द रिच कल्चर ऑफ इंडियन हेरिटेज ऑल्सो। रिलेशनशिप्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड मैं मानता हूँ कि जितना इंपॉर्टेंस आप अपने करियर को देते हो उतना ही इंपॉर्टेंस आपको अपनी पर्सनल एंड फैमिली लाइफ को भी देना चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर एंड अ सर्जन, आई हैव मेंटेन्ड सो मेनी लाइफ हसल्स हॉबीज एंड पैशंस थ्रू आउट माई लाइफ इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, जो अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं। 99% लोग वही सेम घिसी पिटी बोरिंग लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सीखना नहीं है, वो लोग सीखना चाहते हैं, बट सैडली ये सारी चीजें कोई भी स्कूल में सिखाई जाती नहीं है, ना ही कहीं पे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में अवेलेबल है। एंड सो ओनली उसी चीज पे मैं अपनी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स पे एक वन ऑफ इट्स काइंड एंड यूनिक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूँ जो आपकी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज, प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को एक अलग ही लेवल पे एनहांस करेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, कैसे भी लेवल के स्टूडेंट हो, ये प्रोग्राम
आपको कैरियर के साथ साथ लाइफ के जितने भी बड़े गोल्स हैं उनको कम से कम टाइम में कैसे अचीव किया जा सकता है उसके मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ लेजेंड सिखाएगा, जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ एंड जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। टोटली हिंदी में मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो छोटा बच्चा भी समझ जाए एंड उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार डाउनलोड करके जस्ट चेकआउट करना ना भूले। नंबर 3, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। जब हमने रिलेशनशिप में जाने का फैसला लिया उसी दिन मैंने उनको बता दिया था कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड अभी मैं जो आपसे मिलने आया हूँ वो भी मेरे दोस्त की बाइक लेके आया हूँ, मेरे पास खुद की एक बाइक भी नहीं है। आई डोंट नो अगर हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो कैसे मैं आपको इवन मिलने भी आ पाऊंगा या तो कहीं आपके साथ बाहर होटल में खाना खाने भी आ पाऊंगा, क्योंकि लिटरली आई हैड जीरो मनी टू स्पेंड ऑन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम माई बेसिक नेसेसिटीज, बट स्टिल शी एक्सेप्टेड मी सेम एज आई वॉज। इंस्टेड शी इंसर्टेड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड माइंड सेट इन माई माइंड एंड शी वॉज द वन जिनको देख देख के मैं भी पढ़ाई करने लग गया था। मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 एंड एम्स का गोल भी अपनी लाइफ में पहली बार उन्होंने दिखाया था एंड उसके लिए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर से लेके डेली मोटिवेशन तक सब कुछ वो देते रहे थे। वो मेरे साथ तब खड़े रहने के लिए रेडी हुए थे जब लिटरली मेरे पास कुछ भी नहीं था। अगर वो चाहते तो उनको इजीली कोई अच्छा खासा वेल सेटल्ड पैसे वाला लड़का भी मिल सकता था, बट स्टिल शी चोज मी एंड आई एम फॉरएवर इन डेब्ट टू हर फॉर दैट। आई न्यू एट दैट वेरी मोमेंट कि अगर मेरे माँ बाप के अलावा कोई और इंसान मेरे साथ अगर लाइफ टाइम हर सिचुएशन में साथ रह सकता है तो वो यही इंसान है एंड मैं इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला। अब आपको लगेगा कि ये तो ब्लाइंड लव ही होगा, बट नो माई फ्रेंड, इट वॉज नॉट एट ऑल अ ब्लाइंड लव ऑन एनी साइड। अब उन्होंने मेरे में ऐसा कौन सा पोटेंशियल देख लिया था एंड वाई शी चूज मी, उसके बारे में हम एक अलग ही वीडियो उनके शब्दों में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताना। नंबर 4, सेम बैकग्राउंड। यस, वी बोथ कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। हाँ, उनका फैमिली थोड़ा बहुत एजुकेटेड एंड सेटल्ड है बट नॉट टू रिच। हम दोनों गुजरात के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं एंड आज भी हमारा घर एंड हमारे पेरेंट्स उसी गांव में रहते हैं एंड जब हम छुट्टी लेकर घर पे जाते हैं तब उसी गांव में जाते हैं। सो मेरा प्रेफरेंस कहीं ना कहीं पे ऐसी लड़की पे ज्यादा था जो गांव में रह चुकी हो एंड सो आगे जाके सपोज मेरे गांव में जाने का हुआ कभी कभार तो उसको वहां पे एडजस्ट हो सके। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बंदा या बंदी मेट्रो सिटी में बड़ा हुआ है तो उसको गांव में उतना ज्यादा अच्छे से एडजस्टेबल नहीं हो पाता है। ऑल्सो बींग फ्रॉम द सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, शी नोज द वैल्यू ऑफ द मनी एंड सो उन्होंने हमेशा पैसों से ज्यादा मेरी कैपेसिटी एंड पोटेंशियल को देखा। कभी भी वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की डिमांड नहीं करते थे, ना ही कभी कोई अननेसेसरी खर्चे करने देते थे। बहुत सारी बार उन्होंने मुझे बुक्स भी दी थी अपनी पढ़ाई करने के लिए एंड इवन हम कभी कभार खाना खाने भी जाते तो भी वो हाफ खर्चा मुझे दे देते थे, सेइंग कि प्यार अगर दोनों तरफ है तो खर्चा सिर्फ आप क्यों उठाओगे। जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाती हूँ तब मैं अपना हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट करती हूँ तो आपके साथ क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती। अब एक बंदे को और क्या चाहिए भैया अपनी पार्टनर में। नाउ अगेन, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि रिच किड्स आर नॉट गुड, नो दे आर। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम अ वेरी रिच येट वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बट द मैसेज हियर इज दैट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ मैच विथ योर लेवल एंड सर्कमस्टेंसेस। ज्यादा बड़ी उम्मीद है कई बार ये क्या दूसरी पार्टी को बैड रिजल्ट्स दे सकती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक्सेप्ट करो एंड उसी लेवल के अकॉर्डिंगली अपने पार्टनर को ढूंढने का ट्राई करो ताकि वो आपके लाइफ में एडजस्ट हो सके। एवरी सिंगल सिचुएशन कैन बी चेंज्ड अगर आप दोनों डिटरमाइंड हो एक दूसरे के ग्रोथ के लिए एंड एक दूसरे को हर एक सिचुएशन में साथ देने के लिए। नंबर 5, सरनेम एंड कास्ट। अब दिस माइट बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग बट मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ एंड आई नो दैट बीइंग फ्रॉम अ रूरल इंडिया माई पेरेंट्स एंड सोसाइटी हैव सम बिलीफ्स, नॉट सो स्ट्रॉन्ग बट यस समवट, दे ऑलवेज वॉन्टेड देयर चिल्ड्रन टू मैरी इन द सेम कास्ट एंड ये एक हार्ड फैक्ट है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आपकी फैमिली इतनी ज्यादा मॉडर्न नहीं है चीजों को समझने के लिए। तो मैं उनको कभी भी दुखी होता हुआ नहीं देखना चाहता था एंड क्योंकि अंजलि भी सेम सरनेम एंड कास्ट से थी तो ऊपर मेंशन की गई सारी क्वालिटीज के साथ ये एक एक्स्ट्रा पर्क था जो मैंने कंसिडर किया था एंड जिसने हमारे फ्यूचर को और भी ज्यादा सिक्योर बना दिया था। आई मीन मैं अगर किसी और कास्ट की लड़की को भी एक्सेप्ट करता तो भी आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स बाद में तो कभी ना कभी मान ही जाते, बट देयर वॉज अ रिस्क कि शायद एक पर्सन में अगर वो नहीं मानते हैं तो ये रिलेशनशिप टूट भी सकती है एंड अगर ना भी टूटे तो भी या तो वो गर्ल या तो मेरे पेरेंट्स कोई ना कोई तो दुखी होगा ही होगा एंड ये चीजें आप मानो ना मानो पूरी लाइफ के गोल्स हैप्पीनेस एंड शांति को अफेक्ट करती है। आई पर्सनली डोंट बिलीव इन कास्टिज्म एंड नाइदर आई एम प्रमोटिंग इट हियर, बट मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में भी कोई शर्म नहीं है कि इंडिया में कास्टिज्म है एंड उसकी वजह से हर साल हजारों लव स्टोरीज टूटती भी है जो सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट एक्सेप्ट नहीं होती है। दिस इज द सैड रियलिटी एंड मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था अपनी लाइफ लॉन्ग ड्रीम रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जो क्वालिटीज मुझे शायद दूसरी कास्ट के लड़की में मिल सकती थी वही क्वालिटीज अगर मेरी कास्ट के लड़की में मिल रही है तो व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट दैट एंड हैव सम मेंटल पीस। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है एंड आई ऑलवेज प्रीफर दैट मेरे गोल्स के साथ साथ उनकी हैप्पीनेस भी मेंटेन हो एंड मैं कितना भी ज्यादा मॉडर्न बन जाऊं लेकिन बाद में आगे जाके फिर उनको आउटडेटेड ओल्डर जनरेशन बोल के उनकी डिसरिस्पेक्ट करूं। हाँ, आपकी फैमिली अगर बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडर्न है तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लव शुड बी बाउंड्री लेस आइडियली
बट इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली वो आइडियल सिचुएशन हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत सारे डिबेट हो सकती है इस टॉपिक पे, बट दिस वॉज जस्ट माई प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन एंड मे नॉट अप्लाई एवरीवेयर। बट मैसेज यहाँ पे एक ही है कि जस्ट मेक श्योर बिफोर फॉलिंग इन लव आगे जाके कोई इश्यू ना आए, वरना वो जो ब्रेकअप होता है ना भैया, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद सालों का प्यार एंड सपने जब टूटते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपको अपने आप पे एंड अपने पेरेंट्स पे ग्रज रहता है एंड उसके बाद आपके एंड आपके परिवार के रिलेशन पहले जैसे कभी भी नहीं हो पाते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इन अवर सराउंडिंग। मैं यहाँ पर आपको कोई परियों वाली ड्रीम लाइफ के ख्वाब दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिकल टॉक्स होती है जो रियल वर्ल्ड के सिनेरियोस में एक्सेप्ट हो पाए एंड लाइफ में एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ भी बेस्ट से बेस्ट वे में हैंडल हो पाए। पढ़ाई की बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन पढ़ाई के अलावा ये सारी चीजें भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसके पीछे जाने अनजाने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कैरियर बर्बाद होते हैं। मैं नहीं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं से तो आप ये सारी चीजें गलत वे में सीखने वाले हो, तो उससे अच्छा है कि इस चैनल पे आप ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में सीख के जाओ। सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। एंड हाँ, मेरी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स को चेकआउट करना ना भूले, वहां पे इससे भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।